बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर ग्वालियर में स्मैक की खेप लेकर आए एक तस्कर को क्राइम ब्रांच और झांसी रोड थाना पुलिस ने रेलवे क्रॉसिंग के पास पकड़ा है। पुलिस ने तस्कर के पास से स्मैक बरामद की है। बरामद की गई स्मैक की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP राजेश दंडोतिया ने बताया है कि सूचना मिली थी कि एक तस्कर स्मैक लेकर आने वाला है, जिसे घेराबंदी करके रेलवे क्रॉसिंग के पास पकड़ा है। क्राइम ब्रांच ग्वालियर के द्वारा लगातार स्मैक, गांजा और अवैध मादक द्रव्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें बड़े बड़े ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं, जिसमें ट्रकों से लेकर और कई गाड़ियां जो फोर व्हीलर भी में भी इस तरह के जो अवैध जो मादक पदार्थ है उनको पकड़ा गया है। और चूंकि ये लोग जब सप्लाई करते हैं तो यहाँ जो छोटे छोटे ड्रग पेडलर होते हैं, चूँकि गली में, किसी बस्ती में, किसी कॉलोनी में या कॉलेज के पास, ये लोग उसको पुड़िया बनाकर 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये की पुड़िया बनाकर उसको बेचते हैं। तो क्राइम ब्रांच के द्वारा इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। छोटे छोटे अमाउंट में ये लोग खरीदते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।